शहर से सटे हिंजवाड़ी गांव में एक शख्स ने अपनी मां की इच्छा पूरी करने के लिए अपने घर में ही राम मंदिर का निर्माण करवा डाला। इस मंदिर को देखने के लिए हर रोज सैकड़ों लोग यहां आ रहे हैं। बेटे को इलाके में कलयुग का श्रवण कुमार कहा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हिंजवाड़ी की रहने वाली 75 वर्षीय बलुवाई धुमाल की इच्छा थी कि वे अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन उनके नए मंदिर में करें। दिनों दिन गिरती सेहत और मंदिर निर्माण में हो रही देरी को देखते हुए उनके बेटे दिलीप धुमाल ने अपनी जमीन पर राम मंदिर का निर्माण का फैसला किया। मंदिर बन जाने के बाद बलुवाई अब जल्द अयोध्या जाकर उसके निर्माण में लगने वाली दो ईंट रखना चाहती है। इस भव्य राम मंदिर का निर्माण एक एकड़ में हुआ है। इसे बनाने में तकरीबन 7 महीने का समय लगा। मंदिर में राम सिया की प्रतिमा के साथ हनुमान की मूर्ति रखी गई है। दिलीप के मुताबिक इनके निर्माण में अब तक 5 लाख से ज्यादा रुपए खर्च हो चुके हैं। वे मंदिर को और भव्य बनाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। सोमवार को मंदिर में मूर्ति की स्थापना शंकराचार्य विद्या नरसिंह भारती महाराज के हाथों से की गई। एक यज्ञ के बाद उन्होंने मंदिर में प्रभु राम और माता सीता की प्रतिमाओं का प्राण प्रतिष्ठा करवाई। हमारी माता जी अयोध्या जाती थी, अभी उनकी उम्र हो गई है इसलिए वो जा नहीं सकते, और जो लोग जा सकते नहीं उनको, तो उनके लिए भी अच्छा होगा। और अयोध्या में भी बन रहा है राम मंदिर, तो हमने सोचा या हिंजवड़ी मान गांव में भी क्यों नहीं बन सकता, इसीलिए ये मंदिर बनवाया। प्रभु रामचंद्र जी का जो मंदिर माँ के वजह से बनाया गया है वो प्रभु रामचंद्र जी का ही अनुकरण है। उन्होंने अपने माँ के शब्द के लिए सब राज्य का भी त्याग किया था, इन्होंने भी संसार सुखों का त्याग करके मंदिर बनवाया है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.